ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि 60-70 साल पीछे आ गया हूँ। सब कुछ इतना एंशिएंट है, हर जगह पूरी सिटी में हर जगह ऐसे स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं, अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। जैसे इंडिया में भी अगर आप करोल बाग इन सब साइड जाओगे तो ऐसे बैठे हुए होते हैं। एंड यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसी ये बसें चल रही हैं, आई थिंक ये इलेक्ट्रिक है जो ऊपर तार से कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं, यहाँ पर एक जगह है एल चुरेरो, ट्रेडिशनल मैक्सिकन ब्रेकफास्ट करने हैं। यहाँ पर सबसे मेन जो ये चीज़ें खाते हैं मैक्सिकन क्यूजीन में, वो आप लोगों को पता होगा, टाकोस, बरीटोस, बेसिकली टॉर्टिया में कोई भी मीट या फिर वेजिटेबल्स लगा के। ये जगह हमें पता नहीं था बट ये बेसिकली पेस्ट्री शॉप टाइप है जिसपे सारा मतलब ब्रेकफास्ट मिल रहा है, चूरोस, हॉट चॉकलेट। तो यहाँ से हमने चूरोस एंड कॉफ़ी मंगाई है। चूरोस सबसे फेमस मैक्सिकन मतलब डेजर्ट होते हैं। सो ये होता है चूरो, बेसिकली ये फ्राइड बैटर होता है जिसपे शुगर डस्ट करके देते हैं और सिनेमन। बाहर से इतना क्रंची है, अंदर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट। बीच बीच में इतनी सारी बिल्डिंग आ रही है यूरोपियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि पूरी स्पेनिश कॉलोनी थी ये मेक्सिको। तो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड यार आप ये देखो इन्होंने क्या किया है कि पीछे की पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी एंड सिर्फ फ्रंट रख लिया जो यूरोपियन स्टाइल में था, ताकि पीछे इसके नई बिल्डिंग बना दें बट फ्रंट इसका पुराना ही हो, जो पुराना बिल्कुल यूरोपियन लोगों ने बनाया था यहाँ पर। एंड गंदगी तो आपको मेक्सिको में भी पूरी देखने को मिलेगी, हर जगह गंद पड़ा हुआ ही है। तो जिस रेस्टोरेंट पे आए हैं ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। जितनी भी सारी डिशेज हैं यहाँ पे, आधी चीज़ें तो समझ भी नहीं आ रही, बट मैं सोच रहा हूँ ये मंगाने का, टाकोस मैरिनारास दे कमरून। ये बेसिकली श्रिम टाकोस हैं, सी फूड टाकोस। एंड मोस्टली जो यहाँ पर डिशेज हैं सारी मीट हैवी हैं, ये लोग मीट काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। वेजिटेरियन में मुझे कोई खास ऑप्शन दिखे नहीं यहाँ पर। ये पहले ये ब्रेड बास्केट टाइप लाए हैं, फ्रेश मैक्सिकन ब्रेड। पहले तो मुझे लग रहा था कि एम्पनादास हैं जो फ्राइड इनके डम्पलिंग होते हैं। ये है जो मैंने टाको मंगाया है। यहाँ की जो टॉर्टिया होती है, ये रोटी, ये बिल्कुल अलग ही होती है। आई थिंक ये यहाँ पर कॉर्न की बनी हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। एंड ऊपर ये धनिया डाल के देते हैं, हर चीज़ में आपको धनिया मिलेगा मैक्सिकन क्यूजीन में। एंड ये जो साथ में सालसा दी हुई है, बिल्कुल अपनी हरी चटनी की तरह लग रही है, धनिया, पुदीना, मिर्ची। तो टाकोस तो सही थे रेस्टोरेंट पे, बट कल हमने जो स्ट्रीट टाकोस ट्राई करे थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल थे। यहाँ का भी सही था खाना। एंड अब हम जा रहे हैं वॉक करके जो इनका मेन स्क्वायर है मेक्सिको सिटी का। जैसे हर यूरोपियन सिटी में एक सिटी सेंटर होता है, यहाँ पर भी एक पूरा इन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। एंड ये आई थिंक इनकी कोई मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूरोप में हूँ इस वक्त। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आउटडोर सीटिंग है, सारी बिल्डिंग्स भी बिल्कुल यूरोपियन लग रही हैं। तो ये सामने इनका मेन कैथीड्रल, जो मेन चर्च होता है सिटी का। तो ये है पूरा मेक्सिको सिटी का मेन स्क्वायर, बहुत ही बड़ा स्क्वायर है यार, इतना बड़ा तो मैंने किसी यूरोपियन कंट्री में भी नहीं देखा। पूरी स्ट्रीट पे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की दुकानें हैं, पता नहीं यहाँ की फेमस है या फिर क्या है, बट कम से कम भी 100 दुकानें होंगी। अंदर भी ये पूरी मार्केट है। मैं आपको यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर मेट्रो एंड बस दोनों चलती हैं, बट जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ज़्यादा सेफ़ नहीं है यहाँ पर बस एंड मेट्रो यूज़ करना। तो उसके अलावा यहाँ पर 3-4 टाइप की टैक्सीज चलती हैं। एक आपको पिंक टैक्सी हर जगह दिखेगी पूरी सिटी में, वो कभी भी मत लेना, वो जितना हो सके उतना अवॉइड करना, क्योंकि वो या तो मतलब आपको स्कैम करेंगे एंड बहुत हद तक मतलब किडनैपिंग वगैरह के भी केसेस होते हैं। तो वो टूरिस्ट को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट जो बिल्कुल 100% सेफ़ है वो है ऊबर या फिर कैबिफाई चलती है यहाँ पर। तो आप ऊबर यूज़ करो कहीं भी जाने के लिए, बहुत ही चीप है, बिल्कुल इंडिया वाले प्राइसेज हैं ऊबर के। एंड हर जगह इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर। तो मस्त लग रहा था बंदा पीछे। आप स्ट्रीट फूड का लेवल देखो यहाँ पर, हर बंदा इतने ज़्यादा टाको खा रहा होता है। ये जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं सारी टाकोस की दुकान है, हर जगह सिर्फ टाकोस बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा वो है यहाँ पर ये एल पास्ता और टाको। ये ऐसे मीट होता है, इसको काट के टाको में लगाते हैं ये। एंड ये है इनका पूरा चाइनीज़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन भी करी हुई है चाइनीज़ न्यू ईयर की। हमने अपार्टमेंट भी बिल्कुल यहीं पर अपना बुक कराया हुआ है, एयरबीएनबी,
क्योंकि ये सबसे सेफ एरियाज में से एक था। मुझे मेक्सिको सिटी में नहीं पता था कि यहाँ पर भी इतना बड़ा चाइना टाउन है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में था बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है। काफ़ी लंबी स्ट्रीट है ये भी। तो इस चाइनीज़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा मतलब चाइनीज़ स्ट्रीट फूड मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिल रही हैं वो है यहाँ पर एक स्टीम बन होते हैं चाइना के बाव, वो हर बंदा बेच रहा है यहाँ पर, इवन जितने भी ये चाइनीज़ सोडाज़ वगैरह होते हैं। तो इस स्ट्रीट पे स्ट्रीट फूड प्लस ये ग्रोसरी टाइप मिल रही है चाइना की। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो कार्टेल वगैरह है, ड्रग कार्टेल, उनका क्या सिस्टम है, कितना आपको सेफ रहना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ मेक्सिको सिटी में सेंट्रो जो एरिया है, इनका सेंट्रम एरिया, वहाँ स्टे करोगे तो यहाँ पर एज सच कोई भी आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है, हर चीज़ इतनी लाइवली है। बट ये मैंने नोटिस किया कि हर जगह सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हर जगह मिलिट्री एंड पुलिस खड़ी हुई है। सो गाइस, मेक्सिको सिटी से यहाँ मैं कैनकून आया हूँ, बट ये मैं दो दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि मेक्सिको सिटी पहुँचने से पहले भी सैन डिएगो में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मेक्सिको सिटी में मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था पहले के एक दो दिन, बट उसके बाद फिर से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने उसके बाद कुछ भी फिल्म नहीं किया था मेक्सिको सिटी में, इवन दो वहाँ की काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी थी। तो अनफॉर्चुनेटली मेक्सिको सिटी में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया आप लोगों को, जितना आपने इस व्लॉग में देखा बस उतना ही शूट किया था मैंने वहाँ पे। एंड अभी बस दिन में मैं फ़्लाइट लेके यहाँ कैनकून आया हूँ, एक और सिटी है मेक्सिको में। कैनकून आई थिंक सबसे ज़्यादा फेमस सिटी है, स्पेशली बिकॉज यहाँ से आप चिचन इत्सा जा सकते हो, जो वन ऑफ द सेवन वंडर्स है। अब फाइनली जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर मैंने गाड़ी रेंट कर ली थी, क्योंकि ये उतनी क्राउडेड सिटी नहीं है जैसे मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको सिटी बिल्कुल ही ऑथेंटिक सिटी है, एंड ये सिटी थोड़ी अमेरिकनाइज्ड है, क्योंकि कैनकून में जितने भी सारे टूरिस्ट होते हैं वो मोस्टली यूएस एंड कनाडा से आते हैं। तो मैंने सोचा कैनकून का आपको अभी होटल जोन दिखा के आता हूँ। बहुत ही एक फेमस एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। सनसेट भी होने वाला है तो वहाँ पर सनसेट भी दिखाऊँगा। एंड यहाँ पर ये मैंने बेसिक गाड़ी रेंट करी थी, शेवले की कोई कैवेलियर है, ये मुझे $75 पर डे की पड़ी विद फुल इंश्योरेंस। यहाँ मेक्सिको में फुल इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी इंडिया की तरह चलती है तो लगना मतलब बहुत ही नॉर्मल है। ड्राइविंग मेक्सिको में भी यूएस एंड कनाडा वाली ही है, लेफ्ट साइड पे स्टेयरिंग होता है। एंड जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ ये बिल्कुल कैनकून का सिटी सेंटर है, एयरबीएनबी बुक कराया मैंने यहाँ पे। यार मतलब गरीबी तो मेक्सिको में पूरी दिखती है। अभी आपको होटल जोन दिखाता हूँ, वो आपको लगेगा कि आप दूसरी सिटी आ गए हो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, मतलब पुरानी सेंट्रो, एक से एक पुरानी गाड़ी है मेक्सिको में। एंड इवन दो कैनकून इनकी सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक सिटी है, फिर भी इस सिटी में क्राइम पूरा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको क्राइम नहीं मिलेगा, आई थिंक मेक्सिको सिटी जितना ही क्राइम है, बस ये डिपेंड करता है आप स्टे कहाँ कर रहे हो। तो दो तीन एरियाज़ हैं यहाँ पर स्टे करने के, सबसे बेस्ट तो ऑब्वियसली यही है जो इनका होटल जोन इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें 100-150 होटल है, लग्जरी रिजॉर्ट्स। यहाँ पर कैनकून फेमस है अपने ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स के लिए, या तो आप वहाँ स्टे करो, बट अगर आपको थोड़ी सी ऑथेंटिक फील लेनी है तो आप एयरबीएनबी करा सकते हो। डाउनटाउन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जहाँ पर मैंने कराया हुआ है, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो हल्का सा इससे अफोर्डेबल ऑप्शन है होटल से, एंड सेफ भी है। तो यहाँ इस रोड से ही होटल जोन स्टार्ट है, एंड पूरी सिटी की इमेज ही बदल गई। यहाँ से सब कुछ इतना ज़्यादा साफ, इतने ऑर्गेनाइज, पाम ट्री सब कुछ लगाया हुआ इन्होंने। एंड ये जो कैनकून का होटल जोन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिकली एक 6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है बाय द ओशन, जहाँ पर 150 से ऊपर लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। सबसे बेस्ट बेस्ट जितने भी लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं वर्ल्ड के, वो आपको यहाँ कैनकून में मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग स्पेशली यूएस एंड कनाडा से एक बीच वेकेशन मनाने आते हैं यहाँ कैनकून। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर आपको एक लग्जरी वेकेशन स्पॉट चाहिए, उसके लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है ये। सिर्फ ये होटल जोन, इसके बाहर आप जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बहुत ही किसी गरीब कंट्री में। सनसेट तो यार बिल्कुल जस्ट मिस हुआ है, अभी अभी बस सेट हुआ है सन, पार्किंग इतनी मुश्किल से मिली। तो मैं ऐसे लग्जरी रिजॉर्ट्स की बात कर रहा था, आप इसका लेवल देखो, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे।
आज है मेरा दूसरा दिन यहाँ कैनकून मेक्सिको में, एंड अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है तो आज मैं सुबह सुबह ही निकल गया। मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत कैनकून एक्सप्लोर करते हैं, कल तो मैंने शाम को बस आपको थोड़ा बहुत सनसेट ही दिखाया था। यहाँ पे ड्राइविंग इतनी बुरी नहीं है यहाँ पे, मुझे पहले मतलब थोड़ा सा डाउट था कि गाड़ी रेंट करूँ या ना करूँ, बट कोई खास दिक्कत आ नहीं रही। अगर आपको आदत है इस साइड गाड़ी चलाने की तो खास दिक्कत आएगी नहीं, एंड स्पेशली हम तो वैसे भी इंडिया में गाड़ी चलाते हैं, अगर आपने इंडिया में चला ली फिर तो वर्ल्ड में कहीं भी चला सकते हो। पार्किंग यहाँ मेक्सिको में स्ट्रीट पे फ्री होती है, एंड लकीली मुझे एक स्पॉट मिल गया। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो मैंने रेस्टोरेंट ढूंढा है उसका नाम है मैक्स एक्सट्रीम। ये ट्रेडिशनल मेक्सिकन क्यूजीन है यहाँ पे। मेक्सिकन क्यूजीन फिर भी ठीक है, अपने इंडियन की तरह ही है, स्पाइसी होता है बढ़िया। एंड मेक्सिको में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में चिप्स एंड सालसा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टॉर्टिया चिप्स एंड दो टाइप की सालसा। तो यहाँ ये सामने पूरी मार्केट सी लगी हुई है, एंड ये लोगों आपने देखा होगा जब भी कैनकून की फ़ोटो आती है। तो यहाँ की ऐसी इन मार्केट्स में आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी वो पहली चीज़ है टकीला। हर बंदा फ्री टकीला की टेस्टिंग करा रहा है, क्योंकि आई थिंक शायद आप लोगों को ना पता हो बट वर्ल्ड की सारी टकीला मेक्सिको में ही बनती है। एंड अब ये है सामने मेन एरिया होटल जोन का, ये आप इसको नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो यहाँ का, जहाँ पर मैं कल भी आया था रात को। यहीं पे सामने हार्ड रॉक, एक और इनका बहुत फेमस बीच क्लब वगैरह है, एंड इसी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी दिखेंगे। तो मैंने पहली बार देखा है बीच पे भी, मतलब इन्होंने आर्मी खड़ी कर रखी है पूरे स्वाट कमांडोस टाइप। बट यार बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम वाइट सैंड, इतना ब्लू पानी,